हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लियर कर रही हूँ। तो फर्स्टली जो है, आई टेल द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो होता क्या है? प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, यानी किसी भी इवेंट के होने की कितनी संभावना है। ठीक है, या तो संभावना है या संभावना नहीं है। ठीक है, या तो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, या एक चांस ये भी हो सकता है कि पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीन चीज़ें होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आउटकम्स को किससे डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे मान लो हम एक क्वाइन को उछालते हैं, ठीक है, एक सिक्के को उछालते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखो कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो क्वाइन में दो ही चीज़ें होती हैं, एक हेड और एक टेल, सभी को पता है। ठीक है, तो अगर हम एक क्वाइन को उछालते हैं, ठीक है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी एक ही चीज़ आएगी ना। अब सबसे पहले ये देखो कि इसमें टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, टू। कितने हैं स्टूडेंट्स? टू। ठीक है, क्योंकि एक हेड और एक टेल हो गया, तो ये टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे। अब इनमें से एक ही आउटकम जो है वो आएगा ना, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो जो आएगा आउटकम वो ओनली वन ही आएगा। ठीक है, या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते ना। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, सिक्के को उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, वन बाय में टू हो जाएगा। ठीक है, क्या फार्मूला बताया अभी मैंने प्रोबेबिलिटी का, आउटकम्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। तो आउटकम जो है वो हमारा वन हो गया, और बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टू हो गए। ठीक है, नीचे टोटल आ जाएगा। क्लियर है आपको? तो इस तरह से एक क्वाइन को उछाल के हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल है, आप एक डाइस को जो है उछालते हो। ठीक है, डाइस जो होती है ना, वो जब जो आप लूडो खेलते हो उसमें जो डाइस होती है उसको उछालते हो, तो उसमें जो डिजिट्स होती हैं आपको पता है 1-6 होती हैं। ठीक है, तो अगर मान लो किसी भी डिजिट की, कोई भी डिजिट आ सकती है उसमें, तो 1 भी आ सकती है, ठीक है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कोई भी डिजिट आ सकती है फेंकने के बाद। मान लो 3 आ गया, 3 नंबर आ गया, तो 3 नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया, 6। ठीक है, और डिजिट हमारी एक ही आएगी, 3/6 नहीं आएगा, 1/6, क्योंकि वो नंबर तो एक ही है ना, एक ही नंबर आया ना। मान लो 6 नंबर आता है, तो 6 नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ठीक है, 4 आ गया तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, यानी टोटल नीचे आ जाएगा 6, और आउटकम्स हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आप फेंकते हो तो किसी क्वाइन को, तो 1/2, जैसे मैंने अभी बताया, हेड आए या टेल आए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट विल बी रेन। अब देखो इसमें अगर बारिश हो जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0-1 के बीच में है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये तो नहीं है कि बारिश होगी होगी, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बारिश हो या ना हो। ठीक है, कैन हैपन बट नॉट सर्टन, हो भी सकता है और नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन 0-1 के बीच में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लियर कर रही हूँ। देखो, तो एक्सरसाइज 3.4 पे चलते हैं आप। इसके क्वेश्चन 1 जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 हमें गिवन है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। ठीक है, आपको ये बताना है कि नीचे आपको कुछ एग्जांपल गिवन है, उसमें सर्टेन टू हैपन मतलब कौन से ऐसे एग्जांपल हैं जो पॉसिबल है। सर्टेन टू हैपन मतलब पॉसिबल ही पॉसिबल है। ठीक है, और कौन से ऐसे एग्जांपल है जो इम्पॉसिबल है, यानी वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और थर्ड आपके पास है, कैन हैपन बट नॉट सर्टन, और ऐसे कौन से एग्जांपल है जो हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। ठीक है, अब एग्जांपल को पढ़ के क्लियर होगा। देखो, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, यानी यस्टरडे से ज़्यादा आप आज जो है वो ओल्डर होते जा रहे हो, यानी बड़े होते जा रहे हो। ठीक है,
तो इट मींस ये तो सही है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। जैसे जैसे हम जो है डे बीतते जाएंगे, वैसे वैसे हम ओल्डर होते जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ सर्टेन टू हैपन। क्या आएगा स्टूडेंट्स, इट इज़ सर्टेन टू हैपन। सेकेंड पे चलते हैं, ए टोस्ट क्वाइन विल लैंड हेड्स अप। अगर हम एक क्वाइन को टोस्ट करते हैं यानी उछालते हैं तो उसमें हेड आए, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल पॉसिबल है हेड ही आए, टेल भी आ सकता है। तो क्या आंसर आएगा, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है, दो चीज़ें हैं ना, तो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, ए डाइव एंड टोस्ट शैल लैंड अप विद एट ऑन टॉप। एक डाई को अगर आप उछालते हो तो जो एट नंबर की डिजिट होती है वो ऊपर आए, हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें एट नंबर की डिजिट होती ही नहीं है, ठीक है। जो डाई होती है उसमें 1, 2, 6 डिजिट होती है, तो एट तो कहीं यहाँ पे है ही नहीं, 1 से लेके 6 तक है, तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, 8 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए आंसर इज़ इट इज़ इम्पॉसिबल। फोर्थ देखो, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। तो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन मीन्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, कल एक क्लाउडी डे होगा, ठीक है, ये भी क्या है, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1 आपको क्लियर हो गया, चलो क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। आप देखो क्वेश्चन 2 यहाँ पे गिवन है हमें, देर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। एक बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं जिनमें 1 to 6 नंबर जो हैं वो राइट हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन 1 क्या है, क्वेश्चन क्या पुट किया गया आपसे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2। यानी अगर उसमें से नंबर 2 हम निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो जो नंबर 2 है वो एक ही है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आउटकम क्या हो गया 1, ठीक है, और जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1/6, क्या हो जाएगी 1/6, ठीक है, क्योंकि टोटल तो 1 to 6 ही मार्क रहे हैं मार्बल्स, ठीक है, और नंबर 2 हम निकालेंगे तो एक ही है उसमें से नंबर 2, तो 1/6 आ जाएगा। क्वेश्चन 2 देखो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। अगर उसमें से नंबर 5 निकालते हैं तो 5 नंबर भी एक ही है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/6। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, ए क्वाइन इज़ फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। एक क्वाइन को उछाला जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम जो है वो गेम को स्टार्ट करेगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यूअर टीम विल स्टार्ट। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर तुम्हारी टीम जो है वो स्टार्ट करे, ठीक है। तो या तो ऐसा हो सकता है अगर हम सिक्के को उछालें तो हमारे फेवर में आए, ठीक है, मान लो हमने हेड चूज़ कर लिया, ठीक है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि हेड आएगा, दूसरी टीम के फेवर में भी आ सकता है, तो हो सकता है हेड आए या हो सकता है टेल आए, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, या हमारे फेवर में होगी या दूसरी टीम के फेवर में होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए 2, और जो एक है मतलब हेड और टेल में से जो आउटकम है वो एक ही आएगा, तो इसलिए 1/2, 1 ऊपर आ जाए, ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2। तो ये कुछ एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन थे जो मैंने क्लियर कर दिया आपको, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।